गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर दैट इज विक्योल एंड द साइटोस्केलेटन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दीज टू थिंग्स, विक्योल एंड द साइटोस्केलेटन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द विक्योल। व्हाट आर विक्योल? ये स्टोरेज बबल जैसा होता है, इट इज ए स्टोरेज बबल लाइक स्ट्रक्चर। एक स्टोरेज बबल जैसी स्ट्रक्चर होती है जो कि प्लांट सेल के अंदर और एनिमल सेल के अंदर दोनों में मिलती है। प्लांट और एनिमल दोनों में मिलती है, बट द बेसिक डिफरेंस इज प्लांट में ये इतनी बड़ी होती है कि न्यूक्लियस इसके आगे छोटा पड़ जाता है। प्लांट का 90% सेल का हिस्सा एक वैक्यूल के द्वारा ही गिर लिया जाता है, जबकि एनिमल सेल में ये काफी स्मॉल होती है। एंड द रीजन फॉर दिस इज कि एनिमल सेल के पास अपनी सेल का बना हुआ सारा का सारा वेस्ट अगर उसको थ्रो आउट करना है बॉडी से बाहर, तो उसकी सेल के आसपास बहुत सारी ब्लड वेसल्स खून को रखे हुए हैं और उन ब्लड स्ट्रीम के द्वारा में उन सारे वेस्ट को डाल दिया जाता है। लेकिन प्लांट के अंदर ऐसी कोई सिस्टम नहीं है, जाइनम फ्लोएम के द्वारा किसी भी वेस्ट को हम नहीं भेज सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, इन बड़ी बड़ी वैक्यूल में अपना सारा वेस्ट स्टोर कर लेते हैं और फिर फाइनली उसको थ्रो आउट करते हैं। यही रीजन है कि प्लांट में वैक्यूल बड़ी और एनिमल में वैक्यूल थोड़ी सी छोटी मिलती है। ये बहुत सारी चीजों को स्टोर करती है, ये फूड को स्टोर करती है, ये न्यूट्रिएंट को स्टोर करती है, ठीक है, ताकि आपकी जो सेल है वो सर्वाइव कर सके। इसके अलावा जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट सेल के द्वारा प्रोड्यूस किए जाएंगे, ऑल द वेस्ट प्रोडक्ट विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेल, वो भी सभी की सभी कौन कहाँ पे आपके स्टोर होंगे, वैक्यूल के अंदर स्टोर होंगे। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि वैक्यूल के अंदर स्टोर होने का मतलब ये नहीं है कि वो परमानेंट वहीं पड़े रहेंगे। दे विल बी थ्रो आउट, उनको सेल से बाहर फेंक दिया जाता है। एक तो प्लांट इस तरीके से, एक तो सेल अपना फेंकती है। अगर हम ऑल ओवर प्लांट की बात करें तो आपने अगर इमली खाई हो, टैमरिन जिसको हम बोलते हैं, आपने सिट्रस फ्रूट नींबू संतरे खाए हो, आपने एप्पल खाया हो, तो ये जो प्लांट होते हैं, इसके अलावा बार्क ऑफ प्लांट जो होती है, ये सारे के सारे भी प्लांट का एक तरीके से वेस्ट को बाहर निकालने के ही साधन है। जैसे कि एप्पल में मैलिक एसिड को स्टोर कर दिया जाता है, टैमरिन में टार्टरिक एसिड को स्टोर कर दिया जाता है, सीट्रस फ्रूट्स में आप सीट्रिक एसिड को स्टोर कर देते हो और इसको आप लोग छोड़ देते हो। ये तो हमने खाने के हिसाब से बना लिए, बट फॉर द प्लांट दीज आर द स्टोरेज ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, जिसको वो बाहर निकाल देता है। फूल फल के अंदर इकट्ठा कर दिया, फल टूट के निकल जाएगा, प्लांट के अंदर से वेस्ट बाहर हो जाएगा, ठीक है। ये प्लांट में बहुत बड़ी और एनिमल में बहुत छोटी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब क्यों है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। ये एक फ्लूड फील्ड कैविटी होती है और इसकी बाहर की मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं बेटा टोनोप्लास्ट, और अंदर को बोलते हैं हम लोग, अंदर वाली चीज को सेल सैप भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो भरा चीज मटेरियल होगा उसको बोलेंगे सेल सैप, और इसकी आउटर बाउंड्री को हम लोग बोलेंगे टोनोप्लास्ट। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसी भी सेल के लिए टोनोप्लास्ट। इसकी जो मेम्ब्रेन होती है टोनोप्लास्ट की, ये सेमी डिफरेंशियली परमिएबल होती है। डिफरेंशियली परमिएबल या सिलेक्टिवली परमिएबल आप बोल सकते हो। परमिएबल का मतलब ये होता है बेटा कि डिफरेंशिएट कर सकती है किस चीज को अंदर लेना है और किस चीज को बाहर निकालना है, ठीक है। अगर हम वैक्यूल की बात करें, इसके पास क्या क्या स्टोर करती है, ये बहुत सारे सोल्यूट्स को स्टोर करती है, ये वाटर को स्टोर करती है, बहुत सारे मिनरल्स को स्टोर करती है, बहुत सारे आयंस को, शुगर को, मैक्रोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सभी को स्टोर करने का ये काम करती है। इसके अलावा ये किसी भी प्लांट के टर्गर प्रेशर को भी मेंटेन करने का काम करती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सेल को फटने नहीं देता, ये टर्गर प्रेशर को भी मेंटेन करने का काम करती है। तो दिस इज द वैक्यूल एंड द फंक्शन ऑफ द वैक्यूल, ठीक है। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ही है इसके अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं साइटोस्केलेटन की। साइटोस्केलेटन, जैसे आपकी बॉडी में स्केलेटन ने पूरी सेल को सपोर्ट, अपनी पूरी बॉडी को सपोर्ट किया हुआ है ना, आप इमेजिन करो आपके अंदर का पूरा स्केलेटन सिस्टम निकाल दिया जाए तो क्या होगा, पूरी बॉडी जो हो जाएगी ना, वो क्या हो जाएगी, एक मांस का एक फ्लैश और पीस ऑफ फ्लैश बच जाएगा, जो ठीक नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही सेल के अंदर भी स्केलेटन सिस्टम होता है, जो किस किस चीज से मिलकर बना होता है, वो बना होता है माइक्रोट्यूब्यूल से, माइक्रोफिलामेंट से और इंटरमीडिएट फिलामेंट से। ठीक है, इंटरमीडिएट फिलामेंट, इतनी चीजों से ये मिलके बना हुआ होता है। हम इनको एक करके एक्सप्लेन
करेंगे। सबसे पहले ये क्या करता है, ये आपकी सेल की शेप को मेंटेन करता है और आपकी सेल डिवीजन के टाइम पे भी हेल्प करता है। तो दो फंक्शन इसके होते हैं, मेंटेन द शेप ऑफ द सेल और हेल्प करता है डिवीजन के टाइम पे, हेल्प एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, ये इसके फंक्शंस होते हैं बेटा। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा नेक्स्ट, ये तीनों के तीनों कंपोनेंट की। अगर हम माइक्रोट्यूब्यूल की बात करें तो ये होलो स्ट्रक्चर होती हैं, जिसमें जो कि ग्लोबुलर प्रोटीन, इसमें बहुत सारे ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं जो हेलिकली अरेंज्ड होते हैं, यानी हेलिकली अरेंजमेंट इनका होता है। इनमें चीजें जुड़ती रहती हैं और टूटती रहती हैं, ये एसोसिएट और डिसोसिएट दोनों ही हो सकते हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सेल की स्ट्रक्चर में और सेल के डिवीजन में। ये जैसे सूरज की किरणें निकलती है ना ऐसे 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 चारों तरफ से, ऐसे इनमें से बहुत सारी रेडिएट निकलती रहती हैं, जिसकी वजह से मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम बहुत ही इजीली हो जाता है। तो माइक्रोट्यूब्यूल उस टाइम पे हेल्प करते हैं, आपको हम सेल डिवीजन चैप्टर पढ़ाएंगे। इस तरीके से ये माइक्रोट्यूब्यूल बहुत सारी चीजों को रेडिएट करते हैं और ये जो है क्रोमोसोम को जो अपोजिट पोल पे ले जाने में हेल्प करता है। तो क्रोमोसोम इंड के ऊपर ट्रेवल करना शुरू कर देता है। इसके अलावा ये सीलिया के मूवमेंट में भी हेल्प करता है। फिर आता है माइक्रोफिलामेंट, ये बहुत छोटी स्ट्रक्चर होती है, एक्टिन प्रोटीन की बनी होती है, ये सिर्फ स्केलेटन बनाने में हेल्प करती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सीलिया एंड फ्लैजिला। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सीलिया और फ्लैजिला का एक डिफरेंस आपको पहले ही बता देती हूँ। फ्लैजिला सीलिया का अरेंजमेंट इसका अरेंजमेंट होता है 9+2 इन प्रोकैरियोट यूकैरियोट और 9+0 इन प्रोकैरियोट। वो क्या चीज है वो मैं आपको अभी बताती हूँ बेटा। तो ये क्या होता है बेटा, इनके अंदर आपको एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगी आउटर, थोड़ा बड़ा बनाएंगे डायग्राम, एक बड़ी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको मिलेगी आउटर और इसके अंदर आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज मिलेंगे 9+2, 9 तो रेडियल डबलेट में इस तरीके से अरेंज होते हैं और एक बेटा सेंट्रली लोकेटेड होता है, इसको हम सेंट्रल या कोर भी बोल देते हैं। इस तरीके से इसका एक पार्ट ए और बी, ऐसे सब के ए बी इस तरीके से आप इसे डिफाइन डिस्टिंग्विश करने के लिए, बाकी ऐसा कोई ऐसा जिनका रोल नहीं होता है। इसके अंदर आपको बहुत सारे कनेक्शन मिलेंगे, लाइक ऐसे ये कनेक्ट होंगे दूसरे से, इसके अलावा इनके साथ स्पाइक्स होंगे, इनमें से स्पाइक्स निकले रहते हैं जो यहाँ जुड़े होते हैं। रेडियल स्पाइक्स इस तरीके से जुड़ा हुआ होता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे डायनेमिक इस तरीके से भी अरेंजमेंट मिलेगी। तो आप ये देखिए जरा, एक इस ये डबलेट है, इसको एक मानेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8 और 1, 9, 9 तो ये हो गया बाहर और एक हो गया ये 9+2 की अरेंजमेंट, एक ये और एक ये। इस तरीके से माइक्रोट्यूब्यूल, एक ध्यान रखना ये टीएस सेक्शन है, ऐसे अगर एक फ्लैजिला है तो उसको ऐसे काट के आपको दिखाया हुआ है। इस पूरी स्ट्रक्चर को हम लोग, इस कोर को हम लोग बोलते हैं एक्सोनीमा, ये आपको ध्यान रखना है एक्सोनीमा है। अगर हम इसकी लेबलिंग करें तो ये आपकी सेंट्रल शीट है, सेंट्रल शीट, ये दोनों आपके सेंट्रल ट्यूब्यूल, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, ये आपके पेरिफेरल ट्यूब्यूल सारे के सारे बाहर वाले, ये वाले आपके रेडियल स्पोक, ये लिंकर, ठीक है, ये बाहर आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या डायनेमिक मेम्ब्रेन होती है। तो इस तरीके से ये बना हुआ होता है, आपको डायग्राम ध्यान रखना है। इसके कोर को एक्सोनीमा कहते हैं, जिसमें बहुत सारी माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होती हैं। ये सभी माइक्रोट्यूब्यूल एक दूसरे के पैरेलल है बेटा, ये ध्यान रखो, ये डायग्राम मैंने टीएस काट के आपको दिखाया हुआ है। तो अगर आप इस डायग्राम को आप ये सोचो कि आप इसको ऊपर से देख रहे हो, तो बहुत सारी ये ट्यूब है, ये भी एक लंबी ट्यूब है, ये भी एक लंबी ट्यूब है, ये दोनों भी बहुत लंबी लंबी ट्यूब होती है।
तो माइक्रोटिब्यूल्स बहुत सारी अरेंज होती है पैरेलली और एक लॉन्ग एक्सिस के ऊपर अरेंज करके ये क्या बनाती है, एक्सोनिमा को फॉर्म करती है, जिसमें 9 डबलेट ऑफ पेरिफेरल एंड एक यहाँ पे दो होते हैं सेंटर के अंदर। इस तरीके से इनका अरेंजमेंट होता है। 9+2 एरे भी इसको बोला जा सकता है। सेंट्रल ट्यूब्यूल जो होती है वो एक ब्रिज के द्वारा कनेक्ट होती है और एक सेंट्रल शीथ के द्वारा ढकी होती है। देखो डायग्राम याद हो जाएगा ना तो आप इसको लिख भी सकते हो। ये एक ब्रिज है जिसके द्वारा ये दोनों कनेक्ट है और ये एक शीथ है जिसके द्वारा ये दोनों कवर्ड है, ठीक है। इसके अलावा ये जो शीथ होती है ये बाहर से कवर्ड किससे होती है, रेडियल स्पोक से। देखो जरा सारे रेडियल स्पोक इसके पास आगे जुड़ रहे हैं। तो इस तरीके से ये कनेक्टेड होती है। द सेंट्रल ट्यूब्यूल आर कनेक्टेड विद ब्रिज इज ऑल्सो इन्क्लोज विद द सेंट्रल शीथ विच इज कनेक्टेड वन ऑफ द ट्यूब्यूल, चारों तरफ से इनसे भी जुड़ी हुई होती है बाय द रेडियल स्पोक। तो अगर ये मूव करेगी तो बाकी सारे भी मूव करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से इनका अरेंजमेंट होता है। अगर मैं प्रोकैरियोट की बात करूं तो वहां पे ये बीच वाला नहीं मिलेगा आपको, ये चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। सिर्फ आपको बाहर 9-9 का अरेंजमेंट मिलेगा, 2 जैसी कोई चीज वहां पे नहीं मिलती है, ठीक है। नाउ सीलिया और फ्लैजेला का बेसिक डिफरेंस की हम लोग बात कर लेते हैं। सीलिया किसी भी सेल में बहुत ज्यादा हो सकते हैं, 100 तक हो सकते हैं। फ्लैजेला 1 से 10 के बीच में हो सकते हैं, इससे कम ही होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। सीलिया बहुत छोटी छोटी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, जबकि फ्लैजेला एक धागे नुमा बड़ी स्ट्रक्चर होती है। सीलिया जो होती है इसकी एवरेज 5 से 10 माइक्रोमीटर की हम मानते हैं, जबकि फ्लैजेला लगभग 150 माइक्रोमीटर तक फैला हुआ एक्सटेंडेड हो सकता है आपको, ठीक है। वेव लाइक अंडुलेटिंग मूवमेंट, सीलिया जो होता है वो वेव लाइक मूवमेंट करता है, जबकि ये फ्लैजेला रोटेशन मूवमेंट करता है। देखो एक तो ऐसे ऐसे वाला मूवमेंट अंडुलेटिंग और एक ऐसे ऐसे वाला मूवमेंट, फर्क है ना दोनों में। तो इस तरीके के इनके मोशन में डिफरेंस आता है। सीलिया सभी एक साथ चलते हैं, फ्लैजेला अपने इंडिपेंडेंटली मूव करता है, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट हम करेंगे सेल डिवीजन। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।